अच्छा आपने बताया आप पहले हिंदू थे फिर सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, तो सुबह हो चुकी है, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वक्त जा रहा हूँ मैं कंधकोट। एक पड़ोसी मुल्क से व्लॉगर है दीपांशु ने जो वीडियो बनाई थी, मैं थोड़ा उसको ना काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ एक जवाब दे रहा हूँ। एक और मुझे मैसेज भी आया था कि इंडिया हिंदू कैसे रहते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर एक वीडियो बनाओ। नोमेड इंडियन दीपांशु के नाम से, तो उसने एक अफगानिस्तान में वीडियो की थी, कुछ हिंदू कम्युनिटी और सिखों से पूछा था कि आप कैसे हो, खुश हो नहीं हो। फिर उसने पूछा था एक सिख से और हिंदू से कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान से आए, तो उससे पूछा पाकिस्तान में आप खुश हो, तो उन्होंने बोला हम पाकिस्तान में खुश नहीं थे। और दूसरी बात कि मैंने हिचेकिंग नहीं की है इस वीडियो में, बिकॉज मुझे 12:30 बजे वहाँ कंधकोट पहुँचना था, एक दावत कवर करनी थी, लेकिन मैं हो गया हूँ लेट। ये मैं हूँ और ये मैं हाईएस्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ और ये बच्चा बैठा हुआ है। क्या नाम है बेटा जल्दी बताओ? मुजम्मिल हसन। नाम बताओ? मुजम्मिल। जी मेरे व्यूवर्स, तो इस वक्त आ चुका हूँ मैं कंधकोट शहर में। ये कंधकोट की आराई बाजार है और ये महेश कुमार हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले, और ये मुझे अभी लेके जा रहे हैं। यहाँ एक गुरुद्वारा है कंधकोट का सबसे बड़ा, और उसके बाद बाजार में कुछ लोगों का इंटरव्यू करना है, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी कितने लोग अपराध यहाँ पे रहते हैं और कितने चैन से रहते हैं। जी मेरे व्यूवर्स, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कंधकोट शहर का श्री तेग बहादुर गुरुद्वारा है, और ये इसका इंडोर दरवाज़ा है जहाँ से एक सोसाइटी बनी हुई है श्री तेग बहादुर के नाम से, जो गुरुद्वारा है। यहाँ पे मुकामी लोग और रिहायश भी हैं, और ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इसी शहर का। जी मेरे व्यूवर्स, ये अंदर जाने का रास्ता है, और किसी भी आप गुरुद्वारे में अंदर आते हैं तो ये जूते यहाँ पे रखे जाते हैं, और उसके लिए जूतों का नंबर भी दिया गया है, कोड कि आपने जिस जगह जूते रखे थे वो नंबर होगा। मेरा 762 और 763, एक एक पैर रख दिया है मैंने अपना। तो ये अंदर की साइड है गुरुद्वारे की, ऊपर जाने का ये रास्ता है, और यहाँ पे रुमाल बांधना बहुत ज़रूरी होता है सर पे जब गुरुद्वारे के लिए अंदर जाया जाता है, तो लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अपना साइन कैप है तो मुझे रुमाल की नीड नहीं है, तो पैर धोने पड़ेंगे यहाँ से मोजे। और यहाँ से अगर जाना होता है तो किसी नंगे पैर होता है तो पैर इस वाटर में साफ करके जाया जाता है, लेकिन मैंने मोज़े पहने हुए तो मुझे नीड नहीं है इस चीज़ की। अगर आप कभी आएँ तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये गुरुद्वारे का निशान साहिब है, ये भाई निशान साहिब है ना? हाँ हाँ सर। ये किसका निशान साहिब है, इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये खंजर है। खंजर है? हाँ ठीक। तलवार। ये गुरु साहब का निशान साहब है। हाँ निशान ठीक। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई? प्रकाश। जी मेरे व्यूवर्स, तो अभी गुरुद्वारे के अंदर कोई भी था नहीं, लाइक जैसे मस्जिद का इमाम होता है इसी तरह गुरुद्वारे का जो लीडर होता है वो अभी कहीं बाहर निकला हुआ है, तो अंदर कोई मिला नहीं। मैं खुद जा रहा हूँ कंधकोट शहर मार्केट में, कुछ हिंदू जो दुकान वाले होते हैं और परचून की दुकान बुक स्टॉल वगैरह जो भी है उनसे जाके बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कितने खुश है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? परम बजाज। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद। इनाम क्या है बेटा आपका? खैर है। खैर नहीं, नाम पूछ रहा हूँ। नाम अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब भाई, क्या नाम है बेटा? अजीज़ला। अजीज़ला भाई जान, आपका नाम? गणेश कुमार। गणेश कुमार। बजाज। बजाज। तो सर ये बेकरी आपकी है? जी सर। ये कितने सालों से चला रहे हैं आप लोग? दो साल से। तो वैसे बेसिकली आप लोग तो हिंदू हैं, ठीक है, और ये कंधकोट शहर में मेजोरिटी कितने हिंदू होंगे तकरीबन यहाँ? कम से कम 2-3 हज़ार हैं इस शहर के अंदर। 2-3 हज़ार हिंदू हैं या इससे ज्यादा? ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे। 10 हज़ार के लगभग आराम से हो जाएंगे शहर के अंदर। जी शहर के अंदर जितनी मेजोरिटी है वो आप हिंदू कम्युनिटी की है? हिंदू कम्युनिटी। और यहाँ पे कुछ सिख भी रहते हैं? सिख तो होंगे 5-6 घर। पाँच छः घर यानी कुछ मिला के 50-60 अफराद होंगे? नहीं नहीं,
इतने नहीं होंगे, 40 अफराद के करीब होंगे, 40 होंगे। यानी हिंदू जो यहाँ पे है वो 10,000 या 8,000 के करीब है मेन शहर में। तो बेसिकली शहर जो है यहाँ पे ज़्यादातर कारोबार परचून का हो, मोबाइल का हो, मेडिकल का हो, या डॉक्टर्स की क्लिनिक हो, और ये बेकरीज हो, ये सब हिंदू कम्युनिटी का है। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई भी परेशानी नहीं, कोई तंग वंग नहीं करता आप लोगों को? नहीं करता। आप खुश हो बिल्कुल यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। गवर्नमेंट की आपके साथ भी सपोर्टिंग होती है? सब के साथ। सिक्योरिटी मामला सब कुछ सब ओके? ठीक। भाई क्या नाम है आपका? अमन कुमार। कैसे हो भाई आप? ठीक ठाक। कितने सालों से चला रहे हैं बेकरी आप? ये 7 साल है। 7 साल से आप हिंदू हैं? तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, नहीं, कोई तकलीफ नहीं है? कारोबार बिल्कुल खुश है आप? गवर्नमेंट की तरफ से भी हर चीज से कोई तंग नहीं करना आप लोगों को? सही। तो ये ऑर्डर केक वेक आप खुद अपने बनाते हैं या कहीं से लेके आते हैं? खुद बनाते हो। इसका गोदाम आपका अपना ही है? जी मेरे दोस्त, यहाँ पे ये हिंदू कम्युनिटी का बिजनेस है, और कंदकोट शहर में आप आओगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी का ही बिजनेस है, चाहे चावल का हो, गंदम का हो, बेकरी का हो, परचून की दुकान का हो। भाई क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। और काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। क्या करते हैं सर आप? चाय किराने की दुकान चावल की? जी। तो चावल की दुकान आप सिर्फ यहीं पे सेल करते हैं या कहीं बाहर? नहीं, पूरे एरिया में करते हैं। पूरे एरिया में? अच्छा, कराची तक या लाहौर? नहीं, कंदकोट में एरिया। कंदकोट वगैरह। तो आप कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कोई आपको परेशानी, कोई तंगी नहीं? खुश हो आप? खुश। गवर्नमेंट की तरफ से भी आप? कोई गाँव वाला कोई आपको? बिल्कुल। जी मेरे व्यूअर्स, ये तो हिंदू बिरादरी है, पाकिस्तान में रहती है, और ये बहुत ही खुश है यहाँ पे पाकिस्तान में कंदकोट शहर में। और इसका मुंह बोल का सबूत यही है कि लोग अपने जबान से खुद बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं यहाँ पे। खड़ा हुआ हूँ, ये जगह है कंदकोट की बाजारे, और इसमें यहाँ पे पकोड़े समोसे भी बहुत अच्छे और फ्रेश मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिठाई की दुकान है, बहुत ही पुरानी बलराज नाम की दुकान की मिठाई है, और इनकी मिठाई भी काफ़ी ताज़ा और फ्रेश है। ये मिठाई सर आप खुद बनाते हैं या कहीं से ऑर्डर करवा के बनाते हैं? गोदाम आपका अपना ही है? बलराज नाम आपका ही है सर? कितने सालों से चला रहे हैं? सालों से पुराने। तो आप लोग यहाँ पे खुश हैं? कोई टेंशन, कोई परेशानी? कारोबार अच्छा है बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं होती आप लोगों को? अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। जी मेरे दोस्तों, तो मैं मार्केट में खुद जा रहा हूँ, एक एक दुकान वाले से मिल रहा हूँ, और वो भी हिंदू कम्युनिटी के दुकान वाले हैं। तो सब खुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई तंग नहीं, और कारोबार से खुश है। और वो यही बोल रहे हैं कि ये सिंध है, और ये सिंधी कम्युनिटी के मुस्लिम लोग भी अपने ही हैं, तो किस चीज़ से डरना और किस चीज़ से परेशानी? बोला सिर्फ हमारा दीन अलग है, लेकिन हमारे फिर भी ज़बान एक ही है। जी मेरे व्यूअर्स, ये आया हुआ मैं सिटी शूज़ बूट हाउस पे, ये कंदकोट का बूट हाउस है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? क्या नाम है सर? इंदर जीत की ये शॉप है, और यहाँ पे शूज़ भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, और डेकोरेट बहुत ही अच्छा किया हुआ है इन्होंने शॉप। तो ये कैसा चल रहा है कारोबार आपका? कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी, कोई तंग करने वाला नहीं? खुश हैं आप लोग? सभी लोग हैं, अपने लोग हैं, क्या तंग करें? बहुत शुक्रिया। बैठे चाय पी। बस बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। ये सब दुकानें किसकी है? कपड़े की? और ये कपड़े की हिंदुओं की है सारे, हिंदू कॉम्युनिटी। और परचून की शॉप्स? वो हिंदुओं की हैं सब। यहाँ ज़्यादातर 90% कारोबार हिंदुओं का ही? हिंदुओं का है सब। और मुस्लिम क्या उनके पास सिर्फ जॉब ही करते हैं, काम करते हैं? हाँ, नौकरियाँ करते हैं, जॉब करते हैं। तो इनका आपस में कभी फड्डा वड्डा तो नहीं होता? नहीं, फड्डा नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कि ये मुसलमान है ये नहीं। सही नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। जी मेरे व्यूअर्स, तो मैं काफ़ी देर से बाजार के अंदर घूम रहा था, और गुरुद्वारे भी गया था कि कोई सिख मुझे मिले,
तो ये भाई मुझे मिल गए। भाई क्या नाम है आपका? सरदार आकाश सिंह। सरदार आकाश सिंह। और आपके कितने सिख रहते हैं इस कनकोट शहर में? तकरीबन कितनी तादाद के सिख होंगे अभी? कनकोट शहर में चार सिख रहते हैं। चार सिख हैं टोटली? हाँ जी। चार घर हैं या चार लोग हैं? चार लोग हैं। चार लोग हैं, चार सिख हैं। अच्छा, आपने बताया आप पहले हिंदू थे फिर सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए। हाँ जी। कितना अर्सा पहले आप हुए? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल। तो आप पूरी फैमिली हुई थी या आप ही अकेले हुए? सर मैं सिख हो गया। आप अकेले? जी जी। तो इसकी क्या वजह थी अंदर आपके, क्या ऐसा आया कि आप चेंज हो गए? मेरा श्री अकाल पुरख परमात्मा के साथ रिश्ता हो गया, प्रेम हो गया, इसलिए मैं सिख सज गया। मेरी दिल हो गई मैं सिंह सज जाऊँ, तो मैं सिंह सज गया। और मैं अमृत की पान कर लिया है गुरुद्वारा श्री पंजाब साहब जी में, और मैं सिंह सज गया हूँ अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा से। तो घर वाले तो परेशानियाँ तो वो नहीं बोलते कि ये क्या कर लिया तुम, वहाँ क्या चले गए? घर वाले साथ रहते हो अभी या अलग रहते हो? मैं बिल्कुल घर में अपने रहता हूँ और मेरे सारे घर वाले मुझसे खुश हैं। अच्छा। वो भी बहुत खुश हैं, वो मुझे आशीष करते हैं। अच्छा। कि आपने अच्छा किया सिंह सज गए। और भी मुझे बहुत लोग मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा। उनसे बहुत दिल करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी सिंह हो जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पाकिस्तान में आप खुश हो? ओवरऑल कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चीज़ नहीं आपको? मैं बिल्कुल पाकिस्तान में खुश हूँ। कोई परेशानी, कोई तंग नहीं करता कि आप सिख हो या मुसलमान आके आपको कोई तंग तो नहीं करता, या कोई परेशानी, कोई आवाज़ लगाता हो पीछे से? नहीं 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 नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान में खुश महफूज हो आप? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाकी ये जो इंशाल्लाह हम इसको तकरीबन ये अभी 17वां साल चल रहा है, 17 से हुआ है स्टार्ट दिस प्रोफेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी माल करते हैं वो महदूद करते हैं। जितना भी हम माल करते हैं ना ये महदूद होता है, जैसे चल जाए दो गाहक वापस चले जाते हैं सुबह, फिर वो जल्दी आ जाते हैं कि माल खत्म ना हो जाए। तो ये कनकोट सिटी है, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब आपके साथ सब आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई डिफरेंट नहीं होता कि कोई मुस्लिम खाए तो मुस्लिम हिंदू तो नहीं, 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 नहीं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सब आते हैं। चिकन का और उसका ऊपर का क्या क्या? ये मसाला है और ये रोल है, ये वेजिटेबल है, वेजिटेबल है और ये पकौड़े, ये अंडे। सही। तो ये शाम को किस टाइम आपकी ये दुकान सज जाती है? 3 बजे। 3 बजे। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप हिंदू हो मुस्लिम भी आके खाते हैं आपके पास? सब आके खाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता लोगों में? और आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हो, खुश हो? खुश हो, कोई तंग नहीं करता आप लोगों को? एक वो होता है कि जैसे ये मुस्लिम है हिंदू है इस तरह का कोई भी सीन नहीं है? चलो ठीक है, बहुत जयराम भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे तरफ से ये पैगाम है, हम एक ही भाई हैं, सारे खुश हैं पाकिस्तान में, बहुत खुश हैं आपस में। हमारी सिख मुसलमान ईसाई सारी एक ही है हिंदू। कनकोट शहर में ही आप पैदा हुए? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो पूरी फैमिली यहीं पे रहती है? पूरी कुछ इंडिया में है रिश्तेदार वगैरह? हाँ बहुत है, मम्मी के हैं, पापा के हैं। कौन से शहर में इंडिया में? इंदौर में। इंदौर में कभी गए हो आप? नहीं नहीं, इंडिया गया तो नहीं, पर दिल्ली कभी तो जाएंगे। कभी जाओगे? हाँ। अच्छा, ये कपड़ा कहाँ से लेके आते हो आप? कराची से? कराची से, लाहौर से। अच्छा, दोनों। तो कारोबार कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है, खुश हो यहाँ पे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कोई भी आपके आपको यहाँ मुसलमान तंग नहीं करता? नहीं नहीं बिल्कुल, तंग क्यों करेंगे भाई, हम आपस में भाई भाई हैं।
हम एक दावत में इनवाइटेड हैं, तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, एक हिंदू कम्युनिटी का खाना खा रहे हैं। जी मेरे व्यूवर्स, जैसे कि हम आए हुए थे कंदकोट में, आज हमने वेडिंग इवेंट 3 दिन का कंप्लीट किया है। और लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूँ। ये मैं हूँ, ये अनस भाई है, और ये महेश है, और ये जैश जैश है, और यहाँ पे हमारी ख्वारी हो रही है, यहाँ पे हमारी ख्वारी हो रही है, ख्वारी हो रही है, क्या हो रही है हमारी क्या नाम है बेटा आपका? क्या प्रंचा? प्रंचा, क्या करती हो आप? छोटी है, क्या करेगी? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वन में पढ़ती है। अच्छा, कहाँ? करमपुर में? भाई मेरे साथ पढ़ती है शिकारपुर में, और रहती करमपुर में। और बड़ी होगी क्या बनोगी आप? टीचर? डॉक्टर नहीं? बाकी तो सब डॉक्टर बन रहे हैं, आप टीचर बन रही हो। चलो भाई, ये व्लॉग यहाँ तक था और यहाँ पे एंड हो रहा है। और अब सुबह के 7 बज चुके हैं, 24 आवर हमने काम किया है। तो अब हम तैयारी करके मैं जाऊंगा अपने घर खैरपुर, और ये जाएंगे करमपुर और खैरपुर। आज से दोस्त हो गए करमपुर और खैरपुर। बाबा जी बाबा जी करमपुर। चलो भाई, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। तू है कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, तुम्हारा क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या
ताली ताली ताली।